बच्चों, आज का हमारा बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक है और चैप्टर का है हमारा 32। चैप्टर हमारा 32, ठीक है ना, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। क्या है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। ओके, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या गैमेटोजेनेसिस को, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस को हमने स्टडी की थी, इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन और साथ ही साथ एग फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन को देख लिया था, ठीक है ना। इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन को ही हमने क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होगा, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स में क्या क्या होंगे, यही कह सकते हैं अपन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे स्पर्म था, ये क्या था, हैप्लॉयड सेल थी, ये क्या थी, हैप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। यहाँ पे क्या था, ओवम था, ये क्या था, हैप्लॉयड कंडीशन पाया जाता है। इन दोनों का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एन और एन मिलके क्या बनेंगे, टू एन स्ट्रक्चर। एन और एन मिलके क्या बनेंगे, यहाँ पे टू एन स्ट्रक्चर। इस टू एन स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया क्या, जायगोट। इस टू एन स्ट्रक्चर का हमने नाम दिया क्या, जायगोट, ठीक है ना। तो हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट या डिप्लॉयड जायगोट। ओके, तो हमेशा क्या बनता है, जायगोट बनता है कब, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में। अब बात क्या है, कुछ और भी अगर टर्म्स देखी जाए, एक टर्म आती है क्या आपकी कैरियोगेम, क्या आती है आपकी टर्म, एक आती है टर्म कैरियोगेमी। ओके, कैरियो वर्ड हमेशा आपको पता है किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, न्यूक्लियस के लिए यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, न्यूक्लियस के लिए यूज़ में लिया जाता है। अच्छा, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। तो कैरियो वर्ड कहाँ से निकाला है हमने, न्यूक्लियस से निकाला है। कहाँ से निकाला है, न्यूक्लियस से निकाला है। अब बचता है गैमी। गैमी का एक्चुअल मतलब होता है मिलना, ठीक है ना, टुगेदर। क्या होता है, टुगेदर, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमिट्स। ये जो गैमिट्स है, स्पर्म था और ओवम था, इसके क्या न्यूक्लियस था, उनका मिलना क्या कहलाएगा आपका, कैरियो गैमी कहलाएगा। उनका मिलना क्या कहलाएगा, कैरियो गैमी कहलाएगा। अब बात है एक एम्फीमिक्सिस की, एम्फीमिक्सिस की। एम्फी का एक्चुअली मतलब होता है बोथ, एम्फी का एक्चुअल में मतलब होता है वो मिक्सिंग। मिक्सिस वर्ल्ड कहाँ से बना है, मिक्सिंग से बना है। कहाँ से बना है, मिक्सिंग से बना है। मिक्सिंग क्या क्या होगी, बोथ में मतलब आती है, दो चीज़ें आती हैं हमेशा। अब दो में क्या है, दो में क्या क्या है हमारे पास, दो में क्या है, एक तो स्पर्म है, एक यहाँ पे क्या है, ओवम है, ठीक है ना। क्या है, ओवम है, ठीक है ना।
तो इनका ही मिलना क्या कहलाएगा आपका, एम्फी मिक्सिस कहलाएगा, या कह देंगे हम लोग कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, गैमिट्स के क्रोमोसोम का मिलना, गैमिट्स के क्रोमोसोम का मिलना क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम ऑफ गैमिट्स, ठीक है ना। एम्फीमिक्सिस क्या कहलाया आप, एम्फीमिक्सिस कहलाएगा आपका मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू गैमिट्स। हमने अभी अभी क्या देखा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा, फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा था, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के गैमिट क्या क्या थे, हमने इस पर अभी लास्ट चैप्टर तक हम लोग पढ़ के आए थे गैमिटोजेनेसिस, इसमें हमने बात की थी कि इसकी स्पर्म का फॉर्मेशन की, स्पर्म फॉर्मेशन की, और ओवम फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन की, वो क्या थे हमारे लिए गैमिट्स थे, वो क्या थे हमारे लिए गैमिट्स थे। तो इन उन दोनों का, स्पर्म का और ओवम का मिलने क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन कहलाया, ठीक है ना। अब गैमिट्स क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। गैमिट्स किस कंडीशन में पाए जाते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो हैप्लॉइड कंडीशन से उन्हें डिप्लॉइड कंडीशन पाई आती है हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद में, कब आती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो हमने फर्टिलाइजेशन मतलब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को फ्यूज़ कराया, गैमिट्स को क्या कराया, फ्यूज़ कराया। तो हमारे पास बनेगी एक स्ट्रक्चर बन के आएगी हमारे पास जायगोट, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर बन के आएगी हमारे पास जायगोट, जो कि क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास एक टर्म है कैरियोगैम, ठीक है ना। जो गैमिट्स होते हैं इनके यदि न्यूक्लियस को मिला दिया जाए, इनके यदि न्यूक्लियस को मिला दिया जाए, तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला क्या, कैरियोगैमी बोला, इस प्रोसेस को हमने बोला कैरियोगैमी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका एम्फीमिक्सिस, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है एक्चुअली में बोथ, बोथ बोथ में आएंगे स्पर्म और ओवम, जो कि हम लोग गैमिट्स के रूप में यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग किस रूप में यूज़ में ले रहे हैं, गैमिट्स के रूप में यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना। मिक्सिस वर्ल्ड बनाए किससे, मिक्सिंग से, मिक्सिस वर्ल्ड बना हुआ है मिक्सिंग, मिक्सिंग से, ठीक है ना। तो यदि गैमिट्स के क्रोमोसोम का मिलना ही क्या कहलाएगा आपका, एम्फीमिक्सिस कहलाएगा। ये तो हो जाती है आपकी टर्मिनोलॉजी की, किसकी, फर्टिलाइजेशन की, जो टर्मिनोलॉजी होती है उसकी बात होगी। फिर बात है इसके टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है दो टाइप का, पहला फर्टिलाइजेशन होता है आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। पहला प्रोसेस होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना। फीमेल बॉडी के यदि बाहर की तरफ फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, स्पर्म और इसमें स्पर्म और ओवम में, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा कहाँ होता है, एक्वेटिक मीडियम में होता है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक मीडियम, कहाँ पे होगा, हमेशा एक्वेटिक मीडियम की प्रेजेंस में ही होगा। अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए, इसमें एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि आपका आता है फिशेज, जितनी भी फिशेज होती हैं मोस्टली, ठीक है ना, स्कॉलोडॉन को अगर डॉग फिश की बात करते हो तो उसमें इंटरनल प्रकार के मिलते हैं, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिशेज की हमने बात की है, तो एम्फीबियंस की हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग वगैरह होता है इनमें, और कुछ एंड
ऑल इकाइनोडर्म, जैसे कि स्टार फिश वगैरह एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, कहाँ पे हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, और कैसे मीडियम में हो, एक्वेटिक मीडियम में हो, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि हमने देखा है मोस्टली किसमें, फिशेज में, एम्फीबियंस में, और कुछ इकाइनोडर्म जन एनिमल्स में, जैसे कि स्टार फिश, एस्टेरियस, ठीक है ना। इनमें सेकंड नंबर पे आता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन कहाँ पे होगा, हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। यह कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के हमेशा क्या होगा, अंदर होगा। आप जितने भी स्पर्म्स होंगे, स्पर्म्स आर सेक्रेटेड इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, इन स्पर्म्स को सेक्रेट किया जाएगा, ठीक है ना, किसके द्वारा, मेल के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और मोस्टली अगर बात की जाए ह्यूमन की, ठीक है ना, इन ह्यूमन ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है ना, उसके भी किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। इन ह्यूमन इट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म्स को कहाँ रिलीज किया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ओके, ह्यूमन की बात की जाती है तो स्पर्म्स का और ओवा का हमेशा ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक फीमेल बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है ना, एक फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। तो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में मिले, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में मिले, ये सारे के सारे किस में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है, रेप्टाइल्स जो कि कीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, टॉर्टस वगैरह, एंड वीवीपेरस, एंड वीवीपेरस एनिमल्स। वीवीपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट किसको जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस प्रकार के एनिमल कहलाते हैं वीवीपेरस एनिमल। ठीक है ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने किस में देखा था, वीवीपेरस एनिमल्स वगैरह में हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर बात की जाए अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, एक टर्म आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपसे ये कहता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कि नेचुरली नहीं मिलता, ठीक है ना, जो कि क्या है, नेचुरली हमको देखने को नहीं मिलता। इंसेमिनेशन जो टर्म है, ये इंसेमिनेशन टर्म का मतलब एक्चुअल में ये होता है लिबरेशन ऑफ स्पर्म इन द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को करना, रिलीज करना, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को क्या रिलीज करना, क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। यदि इसको, इसी मतलब स्पर्म्स को आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाए, ठीक है ना, आर्टिफिशियली क्या किया जाए, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन व्हेन द कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेल बॉडी से स्पर्म्स को लेना पड़ेगा, मतलब उनको कुछ देर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रिजर्व प्रिजर्व, क्योंकि उनको फ्रीजिंग करना पड़ेगा, अगर हीट में रखेंगे तो सारे स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रिजर्व एंड एंड स्टोर्ड, जो स्टोर किए हुए थे, एंड स्टोर स्पर्म्स आर लिबरेटेड लिबरेटेड इन फीमेल बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, हमने पहले एक मेल बॉडी से, मेल बॉडी थी, ठीक है ना, मेल बॉडी से क्या कर लिया, स्पर्म स्पर्म कलेक्शन कर लिया, इन स्पर्म्स कलेक्ट करके क्या कर लिया, कलेक्ट करने के बाद इनको स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद में क्या कर दिया, रिलीज इन फीमेल बॉडी, ठीक है ना, रिलीज इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर दिया इन्हें, रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल दिया, ठीक है ना। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हमने हमने यदि हाई क्वालिटी के स्पर्म्स को क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, हमने यदि हाई क्वालिटी के स्पर्म्स को क्या हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना, तो हम किसी भी स्पीशीज़ को, किसी भी स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं, उसकी इम्प्रूव ब्रीड बना सकते हैं, उसकी स्पीशीज़ इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे काम आती है, जो कि एनिमल्स में काम आती है, जो कि जितने भी कैटल वगैरह होते हैं इनमें काम आती है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इम्प्रूव ब्रीडिंग एनिमल्स में ब्रीड के को हाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को यूज़ में किया जाता है। बाकी हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।